कानपुर वक्फ हादी बेगम इस वक्त चर्चा में है। वहाँ की मुतावली एनुल हसन नकवी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। सिलसिला इतना बड़ा कि मुतावली को अजादारी बंद करने और मजलिस से न होने देने की बात की जा रही है, मगर यह सारे आरोप निराधार हैं। मुतावली एनुल हसन नकवी का कहना है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के आदेशानुसार किराए में बढ़ोतरी के जब से नोटिस जारी किए गए हैं, तब से एक गिरोह सक्रिय हो गया है और वह बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, जबकि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए हम वह कर रहे हैं। और यह सारी जानकारी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी को भी दे रहे हैं। वह यहाँ के हालात से पूरी तरीके से वाकिफ है। उनका कहना है कि पहले के मुतावलियों ने 5 माले 6 माले की बिल्डिंग बनवा डाली और जो लोग उस बिल्डिंग में रह रहे हैं वह महीने का 10,000 से लेकर 20,000 तक किराया वसूल कर रहे हैं, मगर वक्फ बोर्ड को वही पुराना ₹50 और ₹100 किराया ही अदा कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे लोगों को मुतावली की हैसियत से किराया बढ़ाने के नोटिस जारी किए गए हैं। तभी से कुछ लोग लामबंद होकर हमारे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे और हमारे भाई के ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया, जिसकी शिकायत कर्नलगंज थाने में मैंने दर्ज कराई है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जिसको भी जितने आरोप लगाने हैं वह आरोप लगा ले, मगर हम वक्फ बोर्ड के नियमानुसार ही कार्रवाई करते रहेंगे। वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद होते हम नहीं देख सकते, जैसा कि पहले के मुतावलियों ने किया है। हम कानून के दायरे में रहकर वक्फ की संपत्तियों को बचाना और किराया कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए कार्यवाही करते रहेंगे। आधिया न्यूज 24 के लिए नौशाद अहमद की रिपोर्ट। क्या मामला है? हम लोग वहाँ आदिवासी के हाजीबाई बेगम के मजलिस करने जाते हैं, ये लोग बहुत परेशान करते हैं, औरतें जो है वो बहुत आजिश करती हैं। परेशान करते हैं कि क्या नाम है इनका? कल्ब अब्बास है और गोल्डी है, खावर है, अफसर है। क्या कहते हैं इन लोग? अरे बदतमीजियाँ करते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, एक ऊपर से खड़े रहते हैं। आप लोगों ने कोई थाने में लिखित तहरीर दी? हम लोग को कोसते रहते हैं। थाने में आप लोगों ने कोई लिखित तहरीर दी? हम लोग थाने में भी तो नहीं गए। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ हुसैन है, मैं कानपुर में कर्नलगंज इमाम बाड़े के सामने रहता हूँ, वहाँ की आज़ादारी देखता हूँ। और ये सब जो है सियासत हो रही है, इमाम बाड़े में मजलिस को लेकर के सियासत करी जा रही है। ये सियासत जो कर रहे कौन लोग हैं? ये खावर और उनके गोल्डी और शहाब ये सब मिल करके सियासत कर रहे हैं, मौला हुसैन को बीच में ला रहे हैं। अपनी पुरानी लड़ाइयों को वक्फ को लेते हुए ये लोग पुरानी लड़ाई मौला को बीच में ला रहे हैं, इमाम हुसैन को बीच में। मेन लड़ाई का उद्देश्य क्या है? मेन लड़ाई का इन लोगों का उद्देश्य ये है कि ये लोग चाहते ये है कि यहाँ का माहौल खराब करना, यहाँ के मुतवल्ली को मारकर भगाना। कितने लोग इसमें शामिल हैं? कम से कम 15-20 लोग। ये मुतवल्लियों को क्यों हटाना चाहते हैं, इसका कोई रीजन? इनका रीजन जो है ये है कि ये पहले से ही इन्होंने तिजोरियाँ खाई, जो भी माल बरामद हुआ वहाँ से वो लोग ये लोग खा के बैठे। दूसरी पार्टी अगर इनको जो है इनके खिलाफ कुछ वो कर रही है तो इनको बुरा लग रहा है, इसके खिलाफ ये सब ये कर रहे हैं कि अगर हम इनको मारते रहेंगे तो ये मार खा के एक दिन घबरा के भाग जाएंगे। आप लोगों ने कोई उच्च अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई? हम लोगों ने न्याय लगाई है, ये लोग जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और ये लोग गुंडे हैं। अगर आपने थाने में तहरीर दी, अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होती, आप कहाँ तक? अगर थाने में मैंने कार्रवाई दे रखी, अगर मेरी यहाँ से सुनवाई नहीं होगी तो मैं ऊपर तक के जाऊँगा। क्या नाम है आपका? क्या मामला हुआ है आपके साथ? उस दिन हमारे पास शामी गरीबा के बाद हमारे ऊपर जानलेवा हमला, कावर और कल्बे अब्बास और अफसर और 15-20 और लोगों ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। ये जानलेवा हमला किया था किस वजह से किया था? सिर्फ मुतवल्लीशिप के चक्कर में। क्या मामला हुआ था पूरा? मामला कुछ नहीं था, मामला सिर्फ बनाया गया था। बहुत दिन से इन्होंने प्री प्लान कोशिश कर रहे थे हमला करने की, इसी वजह से इन लोगों ने ये हमला किया। उस दिन शामी गरीबा ने जैसे ही मजलिस में आके गाली गलौज करने लगे। हमले का मेन कारण क्या रहा? हमले का मेन कारण वहाँ पे इन लोगों ने तिजोरी थी पहले, वहाँ पे हादी बेगम की तिजोरी लूटी
और उसको उस वजह से ये लोग हटाए गए थे, तो उसके ऊपर सारी जांचें चल रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पूरी तरह से अवैध बिल्डिंगें पूरी 200-300 बना दी गई हैं, उसके ऊपर भी जांचें चल रही हैं। तो ये सारी जांचों से बचने के लिए ये लोग हमला कर रहे हैं। आपने कहीं थाने में तहरीर दी? थाने में हाँ, FIR दर्ज कराई गई इनके ऊपर। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई करी इनके लिए? कार्रवाई के लिए आश्वासन पुलिस ने दिया है, अभी तक की इनकी गिरफ्तारी लेकिन नहीं हुई है। जान माल का हमें हर वक्त, अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती क्या आप ऊपर उच्च अधिकारी पास जाएंगे? जी जी जी। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।